द फोर्थ ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा वी गुआवा अपनी एक सीक्रेट टेक्निक डेविल ब्लू इनकनेशन को इस्तेमाल करता है। अब जैसे उसकी बहन वी लिंगशुआनी देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा रोती है एंड कहती है कि ये तो एक सीक्रेट टेक्निक है। टियानमिंग प्लीज़ ब्रदर गुआवाओ को रोक दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो मारा जाएगा, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी तो प्लीज़ उसे रोक दो। अब ये सुनकर टियानमिंग वी लिंगशुआन से कहता है, क्या तुम पागल हो चुकी हो, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, आखिर वो मुझे इतना ज़्यादा नफरत क्यों करता है कि वो एक सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है मुझे मारने के लिए। मैं ये चीज़ साफ साफ देख सकता हूँ कि वो बस एक छोटा सा बच्चा है जिसने कि अभी तक किसी भी मुकाबले को नहीं हारा है। वो लाइफ एक्सपीरियंस में लैक करता है, उसके पास लाइफ एक्सपीरियंसेस की कमी है। अब दूसरे पल वी गुआवा टियानमिंग के इतने ज़्यादा क्लोज आ जाता है कि टियानमिंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तभी फिनिक्स टियानमिंग से कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, हम उसे अभी इस परिस्थिति में नहीं हरा सकते। तभी टियानमिंग फिनिक्स से कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उसे अभी भी फाइट करना चाहता हूँ, मेरी बॉडी मेरी बात नहीं सुन रही है, जिन मंत्रों को वी गुआवाओ ने बोला था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए मेरी बॉडी मेरी बात नहीं सुन पा रही है। अब तभी वी गुआवाओ टियानमिंग को पंच करने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अब तभी हम टियानमिंग को देखते हैं जो कि सही सलामत होता है, जिसके बाद टियानमिंग खुद से कहता है, मैं तो ठीक हूँ लेकिन आखिर ये क्या चल रहा है। अब तभी टियानमिंग को फिनिक्स बताता है कि लगता है कि किसी ने वी गुआवाओ को रोक दिया है। अब तभी हम वी टियान कैंग की आवाज़ सुनते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहते हैं, आखिर वी गुआवाओ ने डेविल ब्लू इनकनेशन कहाँ से सीखी, मैंने हमारे क्लैन से इस चीज़ को छुपा के रखा हुआ था, हमारे क्लैन में कोई भी इस टैबू टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसके लिए अब वी गुआवाओ को पनिश भी किया जाएगा, तुम सभी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। अब अपने ग्रैंडफादर का इतना ज़्यादा गुस्सैल रूप देखकर वी लिंगशुआन अपने घुटनों पर बैठकर अपने ग्रैंडपा से माफ़ी मांगती है एंड कहती है, ग्रैंडपा आप गुस्सा मत होइए, प्लीज़ भाई को बचा लीजिए, ब्रदर गुआवाओ को डेविल ब्लू इनकनेशन अबाइसल बैटलफील्ड से मिली है, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊं, इसीलिए मैंने इसके बारे में किसी को बताने की हिम्मत नहीं की कि मैं मानती हूं कि ये मेरी गलती है, मैं ये भी जानती हूं कि आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपके सामने भीख मांगती हूं, प्लीज़ भाई की जान बचा लीजिए। अब तभी हम देखते हैं वहां पर कुछ और लोग आते हैं एंड वहां पर आकर पूछते हैं कि आखिर डेविल आर्ट्स को किसने इस्तेमाल किया है। अब हम मू यंग एंड वी गुआवाओ के फादर को देखते हैं जो कि एक साथ वहां पर आते हैं। अब वी गुआवाओ के फादर वी टियान कैंग से कहते हैं, फादर आखिर वी गुआवाओ को क्या हुआ है। अब तभी मू यंग भी अपने मास्टर से सेम ही सवाल करते हैं। अब तभी वी टियान कैंग उन दोनों को कहते हैं, इस चीज़ के बारे में तुम वी लिंगशुआन से पूछो। अब जैसे ही टियानमिंग इन सब ड्रामे को देख रहा होता है तो वो खुद से कहता है, ए क्या मैं इन लोगों के लिए हवा हूँ, वी टियान कैंग ने तो मेरी तरफ अभी तक देखा भी नहीं। अब हम देखते हैं वी लिंगशुआन अपने फादर को सारी बात बता देती है कि टियानमिंग ने वी गुआवाओ को हरा दिया एंड गुस्से में आकर वी गुआवाओ ने डेविल आर्ट्स को इस्तेमाल किया। अब वी गुआवाओ के फादर इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि ये तो नामुमकिन है कि वी गुआवाओ टियानमिंग से इतनी ज़्यादा आसानी से हार गया, वो भी सिर्फ एक ही हाथ से, आखिर वो कैसे हराया जा सकता है। अब वी गुआवाओ के फादर गुस्से में टियानमिंग से कहते हैं, टियानमिंग आखिर तुमने ये क्या किया, कोई भी व्यक्ति इतने कम समय में इतना ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता है। अब तभी टियानमिंग प्रिंसेस फीलिंग की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं उसे अकेले नहीं हरा सकता था, लेकिन मैं वी गुआवाओ को प्रिंसेस फीलिंग एंड अपने लाइफ बॉन्ड बीस की मदद से हराया हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आपको मेरे पर यकीन नहीं है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अब टियानमिंग की सारी बातें सुनकर फिनिक्स कहता है कि तुम कितने ज़्यादा बेशरम हो कि तुमने प्रिंसेस फीलिंग को भी इस चीज़ में शामिल कर लिया। अब तभी मू यंग वी गुआवाओ के फादर से कहते हैं, आप टियानमिंग की बकवास को मत सुनिए, फ्लेम येलो रॉक ने उसे एक अपॉर्चुनिटी दी थी आज, जिसकी वजह से टियानमिंग ने अपने आप को दो लेवल से इम्प्रूव कर लिया है, ली टियानमिंग का टैलेंट काफ़ी ज़्यादा ओवरपावरिंग है। अब ये सुनकर वी गुआवाओ के फादर निराशाजनक मुंह बनाते हुए कहते हैं, अगर ऐसा है तो इसमें गुआवाओ की गलती है कि उसने बिना सोचे समझे टियानमिंग से लड़ाई की, गुआवाओ के पास अभी लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है, टियानमिंग ये बुरा नहीं था, हम वी ब्लड लाइन से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अपनी तारीफ सुनकर टियानमिंग कहता है, ये इतना भी बुरा नहीं था, हाँ
मैं विलेज में तीसरा हूँ। अब वी ग्वावाओ के फादर टियान केंग से ग्वावाओ के बारे में पूछते हैं। अब हम टियान केंग को देखते हैं जो कि वी ग्वावाओ को हील कर रहे होते हैं। अब वो वी ग्वावाओ के फादर को बताते हैं कि अभी वी ग्वावाओ ठीक ही है, लेकिन उसे 3 महीने और लगेंगे परफेक्टली ठीक होने में। अब कुछ समय बाद टियान केंग वहाँ पर जितने भी फालतू के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें अपनी ट्रेनिंग पर वापस जाने के लिए कहते हैं। अब टियान केंग की बात सुनते हुए वो सारे स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं। अब टियान केंग वी ग्वावाओ के फादर को कहते हैं कि अपने बच्चों को डिसिप्लिन से रखो एंड उन्हें अपने साथ वापस लेकर जाओ। अब वी ग्वावाओ के फादर भी हाँ कहते हैं, वो वहाँ से अपने बच्चों को ले जाने लगते हैं। जिसके बाद हम मुयंग को देखते हैं जो कि टियान केंग से कहते हैं कि अब वी ग्वावाओ 3 महीनों तक बेड पे ही रहेगा, रेस्ट करेगा। तो जो हबाइसल ट्राइस के लिए उसका स्लॉट था, हम उसके बारे में अब क्या करें। अब ये सुनकर टियान केंग पीछे मुड़ते हैं एंड कहते हैं, उसके बारे में क्या, वीकलैंड को उस स्पॉट को अब खोना होगा। अब इतना कहते ही टियान केंग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी जैसे ही टियान केंग ये सुनता है तो वो अपने ग्रैंडफादर को रोकते हुए कहते हैं, पोटेंटेट, मैं अबाइसल ट्रायल्स में पार्ट लेना चाहता हूँ, मैं वीकलैंड की ग्लोरी के लिए फाइट करना चाहता हूँ पोटेंटेट। अब टियान केंग अपने मन के अंदर कहते हैं, मैं इतने अच्छे मौके को अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता। अब जैसे ही टियान मिंग की बातें सुनते हैं तो वो कहते हैं, हमारे वीकलैंड को एक आउटसाइडर की ज़रूरत नहीं है हमारी ग्लोरी के लिए फाइट करने के लिए, तो इस चीज़ को ऐसा मत कहो जैसे कि ये तुम्हारा धर्म है। अब ये सुनकर टियान मिंग कहता है, नहीं, वीकलैंड को मेरी ज़रूरत है एंड मुझे भी वीकलैंड की ज़रूरत है। अब ये सुनकर टियान किंग पीछे मुड़ते हैं एंड कहते हैं, तुम ये सब सिर्फ इसीलिए कर रहे हो ताकि तुम अपनी मदर को बचा सको, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करूँगा, इसलिए तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है। अब ये सुनकर टियान मिंग कहता है, अगर इस चीज़ का कोई भी चांस नहीं है तो मैं एक चांस को खुद बनाऊंगा। अगर मैंने अबाइसल बैटलफील्ड के ट्रायल्स में पार्टिसिपेट नहीं किया तो सारे वर्मिलियन बर्ड क्लैन के लोग वी क्लैन के लोगों पर हंसेंगे। वो कहेंगे कि हेवन सेक्टम का वी क्लैन एक भी स्टूडेंट को बैटलफील्ड में नहीं भेज सका और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करेगी हमारी। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। अब टियान मिंग की बातें सुनकर मुयंग उसे कहते हैं कि अब ज़्यादा ऊंची बातें मत करो टियान मिंग। अब जैसे ही टियान केंग टियान मिंग की ये बातें सुनते हैं तो वो उसे कहते हैं, तुम काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाले हो, है ना? अगर तुम्हें अबाइसल बैटलफील्ड में पार्टिसिपेट करने में इतनी ज़्यादा उत्सुकता है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम्हारे पास एक मौका है, लेकिन ये मौका एक गैम्बल के बराबर है। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे इस चैलेंज को, जो कि मैं तुम्हारे सामने अभी रखूंगा, उसे एक्सेप्ट कर सकते हो? अब ये सुनकर टियान मिंग कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, मुझे कंडीशन बताइए। अब टियान केंग टियान मिंग को कहते हैं, मैं तुम्हें अबाइसल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करने की परमिट देता हूँ, लेकिन तुम्हें अबाइसल बैटल फील्ड के ट्रायल्स में हर एक मैच को जीतना होगा, तभी तुम अपनी मदर को बचा सकते हो। लेकिन अगर तुम नहीं जीते तो तुम्हारी मदर अपनी आधी बची हुई जिंदगी भी वैसे ही जिए कि जैसे कि अभी वो है। अब ये सुनकर टियान मिंग कहता है, तो मुझे सिर्फ जीतना है ना? तो ठीक है, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ एंड इस गैम्बल को आपके साथ लगाता हूँ। ना केवल मैं अबाइसल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करूंगा, लेकिन अगर मुझे अपनी मॉम को मरने से बचाने के लिए मरना भी पड़े तो मैं मर भी जाऊंगा। अब हम देखते हैं टियान मिंग की ये सब बातें सुनकर टियान केंग वहां से जाते हुए कहते हैं, उन सब चीज़ों को प्रिपेयर करो जो कि तुम्हें चाहिए। अब से लेकर 8 दिन बाद मुयंग तुम्हें अबाइसल बैटल फील्ड में लेके जाएंगे। अब टियान मिंग मुयंग की तरफ मुड़ता है एंड कहते हैं, वाइस पोटेंटेट, आपको अबाइसल बैटल फील्ड के बारे में क्या लगता है? अब मुयंग टियान मिंग को कहते हैं, तुम मुझे अब से अंकल यांग बुला सकते हो, जो अबाइसल बैटल फील्ड है। वो जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, वो जगह डार्कनेस एंड स्लॉटर से भरी हुई है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो अबाइसल बैटलफील्ड जो है वो हमारे फ्लेम येलो कॉन्टिनेंट की एक रिफ्लेक्शन है। वहाँ पर कोई रूल्स और लॉस नहीं है, वहाँ पर सिर्फ मौत का खेल चलता है। लेकिन हाँ, वहाँ पर प्राइसलेस ट्रेजर्स जैसे कि माना, स्पिरिट ओट्स, स्पिरिट हर्ब्स एंड स्पिरिट हैजर्ड्स हैं। अब ये सब बातें सुनकर प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग से कहती है कि वो भी उनके साथ जाना चाहेगी। इस चीज़ के लिए टियानमिंग भी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा, वैसे भी मुझे पता था कि तुम इस चीज़ के बारे में पूछने वाली हो। अब प्रिंसेस फीलिंग की बात सुनकर मुयंग टियानमिंग को कहते हैं कि तुम
प्रिंसेस फीलिंग को अपने साथ ना ही लेकर जाओ तो अच्छा रहेगा। अगर वो तुम्हारे साथ अबाइसल बैटल फील्ड में जाएंगी तो वो वहाँ पर मारी जाएंगी। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखना। माता नहीं।